बृहस्पतिवार की देर रात्रि सहजनवा थाना क्षेत्र में घगसरा बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक में देर रात आग लग गई। बैंक में आग लगने से पैसे को छोड़कर बैंक के फर्नीचर, डेस्क, बोर्ड, कंप्यूटर और जरूरी कागजात जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण UPS से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी DK सिंह ने बताया। थोड़ा सा पत्ता हटा दीजिए, पत्ता हटा दीजिएगा, पत्ता रसराम में है। वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की है, मंझरिया में पंजाब नेशनल बैंक थी, जिसमें रात में आग लगी थी। आग करीब 1:30 बजे के आसपास लगी थी, जिसकी सूचना फायर सर्विस को 2:30 पे मिली थी। सूचना मिलते ही गीडा फायर स्टेशन से एक गाड़ी तत्काल घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुई। आग काफ़ी पहले से लगी थी, जिसके कारण काफ़ी फैल चुकी थी पूरे हाल में। फायर सर्विस द्वारा बड़ी तत्परता के साथ एक लाइन फैलाकर आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया, और मदद के लिए फायर स्टेशन गीडा से और गोलघर से भी एक एक गाड़ी की मांग की गई। उसी समय में गोलघर से और गीडा से एक और गाड़ी पहुँच गई। तीनों गाड़ी के माध्यम से आग को कंट्रोल करके पुलों से बुझा दिया गया। आग लगने के बाद निरीक्षण में पाया गया कि जो उनका काउंटर था और जो चेयर थे, फर्नीचर थे, जो टेबल थे, ये सब आग से प्रभावित पाए गए, और पूरा कैश सुरक्षित बचा लिया गया है। ATM था, ATM में भी 18.5 लाख रुपये था, और कैश काफ़ी ज़्यादा था बैंक में, तो सबको पूर्णतः सुरक्षित बचा लिया गया। और आसपास मकान थे, उनको भी आग फैलने से उन लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया गया। आसपास कोई क्षति नहीं है, और कैश में भी कोई क्षति नहीं हुई है। कंप्यूटर और फर्नीचर जो जले हुए हैं, वही नुकसान हुआ है। तीन गाड़ियां, दो बड़ी एक छोटी गाड़ियां लगी थी, और निरीक्षण में भी पाया गया कि उनका जो मेन स्विच बोर्ड था वो बंद था, जो बिजली सप्लाई बंद थी, वो UPS उनका ऑन था, तो संभवतः वहीं से आग लगना प्रतीत हो रहा है।